बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फार्माकोलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोजिनोमिक्स को कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैट फ्लो चार्ट नोट्स। तो मिनी कैर्सन का चैप्टर नंबर 5 था जिसका नाम है फार्माकोजिनोमिक्स या फार्माकोजेनेटिक्स, किसको हमने इस फ्लो चार्ट के अंदर कवर कर लिया इस पूरे चैप्टर को। तो अगर आप मिनी कैर्सन को पढ़ना नहीं चाहते तो आप इस फ्लो चार्ट को ड्रा कर लेना और आपको मिनी कैर्सन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फार्माकोजिनोमिक्स को स्टार्ट करते हैं। फार्माकोजिनोमिक्स या उसका फार्माकोजेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप वो तमाम जेनेटिक फैक्टर्स पढ़ते हो जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को और ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो दो एंजाइम्स के ऊपर या दो सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, फेस वन और सिस्टम और फेस टू। इन दोनों के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन है और प्रोटीन को कोड करने वाले कोई ना कोई आरएनए और आरएनए को बनाने वाला डीएनए और डीएनए जीन्स के वहाँ में पड़ा हुआ होता है। ओके, तो वो तमाम जेनेटिक फैक्टर जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, इन सब जेनेटिक फैक्टर को फार्माकोजिनोमिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट जीन्स की एक्सप्रेशन होती है, डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से ड्रग का रिस्पॉन्स भी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग ए है, उसको मेटाबोलाइज करने वाली पर्सन ए के अंदर जीन काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे पर्सन के अंदर जीन रिलेटिवली कम है। जिसके अंदर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स वाले जीन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा एंजाइम ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तो ड्रग इनएक्टिवेट भी हो सकती है, एक्टिवेट भी हो सकती है। मोस्टली ड्रग पहले से एक्टिवेटेड होती है और मेटाबॉलिज्म इनको बॉडी से एलिमिनेट करवा देता है। ठीक है, तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तो ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जब ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। ओके, साइड इफेक्ट भी कम से कम हो जाएगी। अब जो फार्माकोजिनोमिक्स होती है उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, एंजाइम्स के अंदर भी, ट्रांसपोर्टर के अंदर भी देखने को मिलती है, या इम्यून सिस्टम के कुछ एलील्स होते हैं, स्पेसिफिकली मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स HLA एलील्स होते हैं, उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। इन सब के अंदर एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं, फेज वन और फेज टू, और ट्रांसपोर्टर जो मेनली पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और इम्यून सिस्टम के जो एलील्स होते हैं वो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। जो फेज वन वाले होते हैं, जो असल में जो फेज वन रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो साइटोक्रोम P450 के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको तो हम अलग से दूसरी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो पहले हम फेज वन मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम्स के अंदर आपने 5 एग्जांपल को रट्टा मारना है। CYP26, CYP2C19 है, तो CYP है ये शो करता है साइटोक्रोम P450 को, इसके बाद जो 2 है इनकी फैमिली को, D इनके सब फैमिली को, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ये इनके इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, फिर CYP3A4 और CYP3A5 है, डाई हाइड्रोपैरामिडीन डी हाइड्रोजिनेस है, और CYP2C9 और वाइटामिन की एपोक्साइड रिडक्टेज होता है। ठीक हो गया कॉम्प्लेक्स वन। तो ये 5 एंजाइम फेज वन के अंदर आपने पढ़ने हैं। फेज टू के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस, ओके, TPMT, थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेस है, और ये वाला है UDP ग्लूकोनोनाइल ट्रांसफरेस 1A1। तो फेज वन के अंदर CYP2D6 है, कहती है कि ये वो एंजाइम है जो कोडीन वैसे प्रोड्रग है, कोडीन को मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट कराता है। ओके, अगर किसी बंदे के अंदर इस एंजाइम को कोड करने वाले जो अलील्स होते हैं और या जीन्स होते हैं उनकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है या उनका फंक्शन खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं पुअर मेटाबोलाइजर। ठीक है, क्योंकि जब अलील्स का फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो एंजाइम्स भी बनना कम हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं जब पुअर मेटाबोलाइजर होगा तो कोडीन मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, जब कोडीन मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा तो इस केस में इसका एनर्जीसी एक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेसिव फंक्शन होता है इसके एलील्स का तब उसको बोलते हैं अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर। इस केस में कोडीन मॉर्फिन के अंदर कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम्स कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। इस केस में आपको ओपीआईड की टॉक्सिटी वगैरह देखने को मिल सकती है, लाइक पिन पॉइंट प्यूपिल होते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, CNS डिप्रेशन है। नेक्स्ट है CYP2C19। जो CYP2C19 है बहुत सारे ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल भी प्रो ड्रग होती है, एंटीप्लेटलेट वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था। ओके, ADP को एंटागोनाइज करती है। ओके, तो यहाँ पे भी दो सिनेरियो आते हैं, या तो उसकी एलील्स की फंक्शनल एक्टिविटी कम होगी यानी कि फंक्शनल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर फंक्शन कम हो जाए तो उसको बोलते हैं पुअर मेटाबोलाइजर, अगर फंक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर। अगर फंक्शन कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्लॉटिंग वगैरह बढ़ जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि जब फंक्शन कम हो जाएगा तो एंजाइम्स भी कम से कम होगी, जब एंजाइम कम से कम होगे तो ये ड्रग एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो क्लॉटिंग को ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो आपको अल्टरनेटिव ड्रग्स लेनी पड़ती है, लाइक प्रोस्टाग्रेल है और टीकाग्रेल हो रहा है। जबकि एक्सेसिव फंक्शन होता है तो एक्सेसिव फंक्शन की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है,
ठीक हो गया ओके। तो आपने इसको पढ़ लेना है। इसके बाद है सी वाई पी 3A4 और 3A5। ये सी वाई पी 3A4 और 3A5 होते गए, ये 50% ऑफ द ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, बहुत सारे ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। बुक के अंदर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिखी हुई। नेक्स्ट है डी हाइड्रोपिरामिडिन डी हाइड्रोजिनेज, ये वो एंजाइम है जो 5-फ्लोरोयूरेसिल को क्लियर करता है बॉडी से ओके। अब होता क्या है कि कुछ कीमोथेरापेटिक ओरल प्रो ड्रग होती है लाइक सेपिसिटाबीन और टिगाफोर, ये 5-फ्लोरोयूरेसिल के अंदर कन्वर्ट होती है। 5-फ्लोरोयूरेसिल की फॉस्फोरिलेशन होती है, बनता है 5-FUMP और 5-FDUMP ओके। ये डीऑक्सी फॉर्म है, ये ऑक्सी फॉर्म होती है, और फिर ये आगे कीमोथेरापेटिक एजेंट होती है, कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर डी हाइड्रोपिरामिडिन एंजाइम के अंदर, डी हाइड्रोजिनेस एंजाइम के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है ठीक है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन अलील्स होते हैं, तब उसको पुअर मेटाबोलाइजर बोलेंगे और 5-फ्लोरोयूरेसिल की क्लियरेंस कम से कम होगी, जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद है सी YP2C9 एंड विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो वारफरीन को बायोकेमिकली इनएक्टिवेट करते हैं। अगर इस एंजाइम के अलील्स की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है या रिड्यूस फंक्शन होता है, जिसको पुअर मेटाबोलाइजर बोलते हैं, तो इस केस में वारफरीन इनएक्टिवेट नहीं होगा। जब वारफरीन इनएक्टिवेट नहीं होगा तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगी। इसके बाद है फेज टू एंजाइम। जो फेज टू एंजाइम होते हैं ये तीन कैटेगरी के आते हैं, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफेरेस और UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेस। जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस है, आपने पढ़ा था कि जिसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी ड्रग हिमोलिसिस करवाना शुरू कर देती है ओके। ये पढ़ा था कि जो आइसोनियाजाइड है ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर हिमोलिसिस करवा देती है ओके, स्पेसिफिकली मेडिटेरियन पॉपुलेशन है। इसके अलावा जिनके अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी होती है तो वो मलेरिया से रेजिस्टेंट भी होती है। नेक्स्ट है TMAPT, ये वो ड्रग है जो मार्केप्टोप्यूरिन एजाथियोप्रीन और थायोग्वानिन को इनएक्टिवेट करती है। वंस अगेन वही सिनेरियो होगा कि अगर इसके एलील्स की रिड्यूस फंक्शन होती है तो पुअर मेटाबोलाइजर होगे, जब पुअर मेटाबोलाइजर होगे तो इनकी इनएक्टिवेशन भी कम से कम होगी, जब इनएक्टिवेशन कम से कम होगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। लास्ट है UGT1A1, तो ये वो ड्रग है जो हिपैटिक एक्सक्रीशन करवाती है बहुत सारे ड्रग की इन टू द बाइल, फॉर एग्जाम्पल SN38 को क्लियर करवाती है। ये SN38 कीमोथेरापेटिक एजेंट है, इरिनोटिकॉन इसका मेटाबोलाइट है और वो कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर वही रिड्यूस फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो इस केस में क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, क्लियरेंस कम से कम होगी, बोन मैरो डिप्रेशन डायरिया बढ़ जाएगा और आपको डोज को कम करना पड़ेगा। अब बाहरी है ट्रांसपोर्टर की। जो ट्रांसपोर्टर आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, जो इफ्लक्स पंप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो वो पी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ओके, यानी ड्रग को एलिमिनेट करवा देते हैं बॉडी से। तो एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर ओके, जो इनकोड होता है SLCO1B1 जीन से, जबकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट 1 है ये इनकोड होता है ABCB1 से ओके। तो ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है ये साइटोटॉक्सिक ड्रग को, कीमोथेरापेटिक ड्रग को बाहर इफ्लक्स करवा देता है। इसके अलावा ये टेट्रासाइक्लिन का भी इफ्लक्स पंप होता है, जबकि ये वाला स्टैटिन्स को और मेथोट्रेक्सेट को एलिमिनेट करवा देता है। लेकिन अगर इस ट्रांसपोर्टर के रिड्यूस फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो इस केस में स्टैटिन्स का लेवल बढ़ जाएगा ओके। जब वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी तो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, स्पेसिफिकली सिमास्टैटिन, और आपको स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है लाइक मायोपैथी। लास्ट है इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ एलील्स होते हैं लाइक HLA पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो इसकी वजह से आपको इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलती है किन किन ड्रग्स के। तो इसका मिमोनिक होता है काफ, सी से कार्बामेज़ेपिन, ए से एलोपिरिनोल, एबाकैविर और फ्लूक्लॉक्सासिलिन। इसकी वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, लीवर इंजरी और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना।